एक गांव में प्रताप सिंह नाम का एक साहूकार रहता था। वह बहुत ईमानदार और साहसी था। उसे अपने बेटों से बहुत प्यार था। उसके चारों बेटे एक साथ खुशी से रहते थे। प्रताप सिंह को एक बात हमेशा परेशान किया करती थी कि उसके जाने के बाद उसकी साहूकारी को कौन संभालेगा। एक दिन प्रताप सिंह ने अपने चारों बेटों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। प्रताप सिंह ने काफी सोच विचार करके अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम सब में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम सबको एक परीक्षा दी जाएगी। जो इसमें कामयाब होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद प्रताप सिंह ने अपने सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और बोला कि जाकर इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधों के साथ यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगी। उस समय मैं तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी बच्चे सोच रहे थे कि प्रताप सिंह अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन गमले में बीज बोने की बात सुनकर सभी इस परीक्षा को आसान समझकर खुश हो गए। वक्त बीतने लगा। सभी बच्चों के गमलों में से बीज की उपज दिखने लगी थी। लेकिन क्षितिज नाम का एक बच्चा था जिसके गमले में पौधे का नामो निशान नहीं था। क्षितिज के अलावा दूसरे बच्चों के पौधे बड़े होने लगे थे। यह देखकर वह बहुत परेशान रहने लगा। वह मन ही मन यह सोचता था कि सबके गमले में पौधे आ गए लेकिन मेरे गमले से पौधा क्यों नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है मेरा पौधा उगने में अधिक समय ले। इसलिए उसने हार नहीं मानी और वह पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की और ज्यादा देखभाल करता रहा। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए लेकिन क्षितिज के गमले से कोई पौधा नहीं आया। वही बाकी तीनों बच्चों के गमले में से पौधे निकल आए। एक बच्चे के पौधे में तो फूल और दूसरे बच्चे के पौधे में तो फल भी दिखने लगे। प्रताप सिंह के पास जाने का समय आ गया। क्षितिज ने सोचा कि वह प्रताप सिंह के पास जाएगा तो उसका गमला देखकर बाकी सारे बच्चे उसका मजाक बनाएंगे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह हर दिन गमले में पानी देता था। वह उसकी देखभाल भी करता था। क्षितिज अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं हर रोज गमले को पानी डालता हूँ और उसकी अच्छी से देखभाल करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे गमले में से पौधा नहीं आया। बेटा क्षितिज, तुमने पूरी लगन से पौधे की देखभाल की है ना, तो इतना काफी है। लेकिन माँ, जब मैं ये गमला लेकर सबके सामने जाऊंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। नतीजा कुछ भी आया हो क्षितिज, लेकिन तुम्हें पिताजी को उनका बीज लौटाने उनके सामने जाना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। माँ के समझाने पर क्षितिज मान गया और खाली गमला लेकर प्रताप सिंह के सामने पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सभी बच्चों के गमले में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी बच्चे हंसने लगे और अपनी मेहनत का बखान करने लगे। क्षितिज चुपचाप आंखें नीचे किए शर्म से खड़ा रहा। इतने में प्रताप सिंह आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह क्षितिज के गमले के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, यह किसका गमला है? पिताजी, ये मेरा गमला है। तुम्हारा गमला खाली क्यों है? बाकी बच्चों के गमलों में से तो पौधे आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे गमले में तो एक भी पत्ता नहीं दिख रहा। लेकिन पिताजी, मैं रोजाना इसको पानी देता था। मैंने इसकी बहुत देखभाल की लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। आओ मेरे साथ। क्षितिज प्रताप सिंह द्वारा बुलाने पर डर गया, लेकिन उसे प्रताप सिंह के अपने पिताजी की आज्ञा माननी ही थी। वह धीरे धीरे प्रताप सिंह की तरफ आगे बढ़ा। प्रताप सिंह उसे अपनी कुर्सी के पास ले गए और बोले, तुम ही मेरे असली उत्तराधिकारी हो। प्रताप सिंह के इस फैसले से वहाँ मौजूद हर कोई हैरान हो गया। मैंने जो बीज दिए थे वो